यानी कि आपको क्या है इसमें 20% ऑफ मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंडी कैटेगरी के। आपको यूज करना है मयंक सर कोड और आपको अनलॉक 20 में 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपने यूज नहीं किया आप अनलॉक 20 कोड यूज करिए और एनडीए के सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ पाइए तो आपको यहां पे 20% ऑफ मिल जाएगा। जय हिंद बच्चों, मैं मोहित शर्मा, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और शायद आपने ये प्रैक्टिस सेट ऐप में भी किया होगा, और जिसने ऐप में प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप जयो इंस्टीट्यूट जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, देन वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और नया प्रैक्टिस सेट यानी जो कल करवाया जाएगा वो मैं आज आपको दे दूंगा, तो वहां पर वो आ जाएगा, ठीक है। कल सुबह 10 बजे वो आपको प्रैक्टिस सेट वहां पे मिल जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले वाले का सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके जिन लोगों ने नहीं दिया है वो यहां भी बताएंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी बताओ। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। बताओ चलो हाँ कमेंट। तो देखो कुछ विमाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बात करें अगर एल की स्वपेरकत 12-22, बात करें आर की तो बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, बात करेंगे आर की 12-32, 32 माइनस में 22 माइनस में। अब इसके नीचे का जो सिस्टम है वो सेम रहता है क्या बेटा, एम एल टी ए, एम एल टी ए, ओके। और साथ ही साथ मैं सी की भी बीमा आपको याद करवाता हूं, वो क्या रहेगी सी की 12-42, सी की क्या रहेगी 12-42। लेकिन सी आर का जस्ट उल्टा होता है, सी धारिता की अगर बात करें जब आप आर में श्रेणी क्रम में जोड़ते तो क्या होता है R1+R2, और वहां धारिता में वो समांतर क्रम में होता है। बोलो बात क्लियर है। तो उस लॉजिक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं माइनस का 12-42, तो आप याद देखोगे एम एल टी ए। बच्चा ध्यान से देखना इसी में बस मैंने कुछ नहीं किया, सी में एक डंडी बना दी तो ये क्या बन गया आप साइलेंट नोट। तो बस ये डंडी बढ़ी है इसका मतलब ये लंबाई की बीमा होगी, तो लंबाई की इसमें बस एक इंक्लूड करनी है, तो लंबाई के लिए एल होता है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 13-42, माइनस का 13-42। तो बेटा सीधे सीधे जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं वो तुरंत बता देंगे इसका आंसर भी होगा। तो फटाफट शेयर कर दो, जब तक लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करीब 7 से 8 प्रैक्टिस सेट में आपको करा दूंगा, जिससे आपको पूरे पेपर में सिर्फ 7-8 प्रैक्टिस सेट से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा कोर्स मैंने जो वादा किया था उससे पहले मैंने खत्म कर दिया है। फिजिक्स सेकेंड की पूरी प्रैक्टिस करा दी, फिजिक्स फर्स्ट कल पूरी मैराथन में खत्म कर दी, क्लियर है। चलो तो शेयर कर दो भैया। कानपुर में एयरफोर्स का एग्जाम सेंटर कहां कहां पे है भैया, ये बात हम कैसे बता सकते हैं, हम कहां वहां कुल्फी बेचते हैं, तुम लोग ऐसे पूछते हो। बहुत सेंटर है बेटा कानपुर, कानपुर बहुत बड़ा है। चलो लेकिन जहां भी होगा आपको साधन बराबर मिलेंगे कानपुर में,
चलिए देखो, स्टे संस्कारी ने कहा है कि पूरे कानपुर में एग्जाम सेंटर है। हाँ, पूरे कानपुर में एग्जाम सेंटर है भाई। चलो देखो, ये क्वेश्चन के आंसर दो आंसर होंगे इसमें, ये मिसप्रिंट से हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ए और सी इसमें दो आंसर होंगे। लिखा है पानी की बूंद तेल में लगभग गोले की आकृति ले लेती है। आपने देखा होगा अगर कभी तेल में पानी गिर जाए, कढ़ाई में अगर मतलब तेल में ही पानी गिर जाए तो चटचटाने लगता है कि नहीं, अरे जानते हो कि नहीं। उसी प्रकार बेटा अगर तेल है, तेल का कोई अगर कटोरी में कहीं भी है और उसमें पानी अगर आपने डाल दिया, वो अलग से आपको दिखेगा क्योंकि पानी उसमें गोल बूंद का आकार ले लेता है। उसका कारण है बेटा क्या, पानी का जो ससंजक बल है, व्हाट इज द ससंजक बल, व्हाट इज द ससंजक बल, कोएसिव फोर्स क्या होता है, सेम सेम के बीच लगता है वो कोएसिव फोर्स होता है और जो अलग अलग के बीच लगता है वो एडहेसिव फोर्स होता है। यानी ससंजक बल जो समान समान के बीच लगे और जो असमान के बीच लगे वो असंजक बल होता है। बोलिए बात क्लियर। तो पानी के जो अणु हैं उनके बीच लगेगा ससंजक बल, पानी और तेल के अणु के बीच क्या लगेगा, असंजक बल। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो दोनों आंसर यहां पर सही है, ए वाला भी और सी वाला भी, दोनों बात वही लिखी हुई है, आप देख लीजिए दोनों का सेंस वही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है बेटा। गेट एक इकलौता ऐसा टॉपिक है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, नीट हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कल नीट का पेपर था, नीट जानते हो ना मेडिकल एग्जाम होता है, उसमें ही दो क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। चलिए देखिए ध्यान से, लिखा क्या है, लिखा है परिपथ में क्या दर्शाया गया, नेट एफ फाइंड करना है, करो फटाक से बच्चा। देखो ये कौन सा गेट है बच्चा, और गेट, ये कौन सा गेट है, और गेट। लेकिन बेटा आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्या इसको करना है बताओ, क्या इस क्वेश्चन को करना है बताओ, नहीं स्किप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है स्किप, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, ठीक है। और जिन बच्चों को आ गया उसका आंसर सी है, जिनको नहीं आया, जिनको नहीं आया वो एक क्वेश्चन स्किप करेंगे बेटा। बड़ा क्वेश्चन है, दिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन लोग पढ़ा देते हैं, बात समझ रहे हो, फिर तुमको लगता है अरे पेपर बहुत कठिन है, कैसी मन में एनर्जी लाओगे वैसे ही काम होगा, बात समझ रहे हो, सोचोगे पेपर बहुत कठिन है तो पेपर कठिन आएगा, और सोचो पेपर ठीक ठाक आता है, हल्का आता है तो बेटा हल्का ही आएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, और शेयरिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोग शेयर एयर कुछ नहीं करते हो बस। हाँ, और प्रैक्टिस सेट चालू हो गया, जो मैंने कहा वो प्रैक्टिस सेट अब चालू है, कल से बिल्कुल हर जगह बात शेयर हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है फिजिक्स का। देखो बेटा क्या लिखा है, यदि एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 2 गुना कर दिया जाए तो प्रक्षेपण कोण वही रहे तो उसकी महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उसकी। देखो आप कोई भी ऊंचाई हो, महत्तम ऊंचाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर के है, आपने वेग को 2 गुना कर दिया, 2 का मतलब 4 और इधर बेटा 4 तो इधर भी 4, आंसर कितना होगा 4 टाइम्स यानी 4 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 गुनी। चले बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी टाइमिंग के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का डाउट कर रहा था भाई, ये क्वेश्चन था इस बार के मॉक टेस्ट में, क्वेश्चन था और बहुत से बच्चों के क्वेश्चन नहीं आता, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो रुकने से पहले लिख लो, ये कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा, देखो रुकने से पहले तय की गई दूरी किस हिसाब से बेटा क्या होगा, देखो
क्या होगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बटे अब मंदक बल, जो आप बल लगा रहे हो रोकने के लिए, ठीक है, फोर्स। अब एक बात समझना, एक चीज और, इसी टाइप में क्वेश्चन आता है, उसमें क्या है, आपसे बोलेगा वह गतिज ऊर्जा और इनके मंदक बल की बात नहीं करेगा, अगर बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला, ना बोले तब क्या, जो जितनी भारी होगी वो उतनी ज्यादा दूरी तय करेगी। जैसे कार और ट्रक दोनों में ब्रेक लगाएंगे बेटा, तो ट्रक ब्रेक लगने के बाद ज्यादा आगे तक खसक के जाएगा और कार वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ये आप याद रख सकते हो पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ये बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी और जो अवमंदक फोर्स है आपका, जो रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है, वो अगर बराबर है, वो अगर एक समान लग रहे हैं, तो कौन कितनी दूरी तय करेगा, तो तय करने की दूरी, तो वो भी बेटा आपका जो गतिज ऊर्जा है जो ऊपर रहेगी और नीचे क्या रहेगा, बल रहेगा, दोनों समान है, जो समान है फिजिक्स में वो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू इक्वल होती वो कट जाती है, तो समान ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब दोनों चीज समान है, जब समान समान तो आंसर आ जाएगा समान, यानी दोनों समान दूरी पर चलकर विराम में आ जाएंगे। और शायद एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था, लव शुक्ला ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था शायद, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चौथे में इंग्लिश क्वेश्चन अलग है सर, क्या है देखें, देखो इंग्लिश के हिसाब से करोगे तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये वाला कर लो। क्वेश्चन करो बेटा, क्या लिखा है, संघट के पश्चात जब दो पिंड एक साथ चिपक जाते हैं तो कौन सा संघट कहलाएगा, देखना लबन लबन ना करना, आराम से क्वेश्चन होगा, कैसे बेटा ध्यान से समझो, ऐसी टक्कर जिसमें किसी को नुकसान ना हो वो संघट कैसा होगा, प्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन, और ऐसा संघट जिसमें कोई बचे ना वो होगा इनइलास्टिक संघट, इनइलास्टिक कोलिजन, बोलो बात समझ आ रही। पहली चीज, मान लो सामने एक महिला जा रही है, आपकी बाइक लड़ते लड़ते बच गई, तो भैया क्या होगा, एक स्माइल होगी चेहरे पे, नहीं वो लेकिन गाली देगी, वो बराबर है, बात समझ लो, लेकिन तुम ये हो गए कि ठीक है भैया बच गए, नहीं तो जरा सी टच हो जाती तो और सोसाइटी वाले मारते, क्लियर। तो ऐसा संघट जिसमें कोई नुकसान ना हो वो इलास्टिक कोलिजन, ऐसा संघट जिसमें बिल्कुल तुम बचो ही ना वो इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और हमारे दैनिक जीवन में जो होता है वो ना इलास्टिक होता है ना इन इलास्टिक होता है, या तो थोड़ी टच हो जाएगी या मतलब बात समझ रहे हो, बस थोड़ा बहुत नुकसान होगा, थोड़ा बहुत नुकसान है तो वो इन इलास्टिक और इलास्टिक के बीच में, बिल्कुल नुकसान नहीं है इलास्टिक, बहुत ज्यादा नुकसान है तो इन इलास्टिक, बोलो क्लियर है, बोलो बात समझ में आ रही। जैसे होना नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं चाहता किसी के साथ इन इलास्टिक कोलिजन हो, जैसे एक बाइक जा रही स्पीड में सामने से ट्रक आ रहा, आपस में दोनों लड़ गए, इन इलास्टिक कोलिजन, बात समझ रहे हो, आप रोड में जा रहे हो ऊपर से पत्थर गिर गया, क्या है इन इलास्टिक कोलिजन है, बोलिए एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो बेटा क्या है, लिखा है संघट जिसके पश्चात दो पिंड एक साथ चिपक जाते हैं कौन सा संघट कहलाता है, फटाक से क्लियर हो गया बेटा, क्या पूर्णता अप्रत्यास्थ, पूर्णता अप्रत्यास्थ, परफेक्टली इन इलास्टिक या टोटल इन इलास्टिक कोलिजन, क्लियर हो रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, कहां गया, कहां भाग रहा हूं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या है क्वेश्चन में, बहुत दम है, ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि, बताइए पाइप सिकुड़ जाते हैं, पानी जमने पर फैलता है या क्या है ये सब, देखिए मेरी बात समझिए, आप देखेंगे जो पानी होता है अगर वो जमेगा तो वो क्या होगा, वो फैलेगा, क्या होगा वो फैलेगा, तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो इंजन W अपॉन Q का मान 1/6 है, यदि सिंक का ताप 62 से घटाते हैं तो इस अनुपात का मान दुगना हो तो सिंक और सोर्स का ताप कितना होगा, सिंक और सोर्स का ताप कितना होगा, कितना होगा टेम्परेचर बताओ, बताइए भाई कर पाओगे, अब बताओ ये क्वेश्चन करना है क्या, नहीं क्या करना है, ये क्वेश्चन स्किप करना है, बड़ा बहुत है ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा बहुत है, अनुपात का मान दोगुना हो जाए फिर ये वैल्यू निकालनी, तो ये क्वेश्चन क्या करना है, स्किप करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं बेटा, तो दो से तीन क्वेश्चन तो आपको स्किप करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते चलो, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। अब ये देखो बिल्कुल प्रॉपर जैसा एयरफोर्स में आएगा वैसा टेस्ट है, बताओ बताओ ये करना है, लेकिन इसमें दम है। सॉरी भैया लेट हो गया मैं शुक्ला, भैया लेट नहीं होना है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, अगर आप लेट होते हैं तो ये आपकी दिक्कत है। बताइए भाई जल्दी करो, टाइम नहीं लगाना है, आंसर बोलो आंसर। चलो ए नंबर देखो, ए नंबर फॉर्मूला एन डैश बराबर एन वी अपॉन क्या हो रहा है, वी अपॉन श्रोता से दूर जा रही है ट्रेन, श्रोता से ट्रेन दूर जा रही है तो बेटा क्या होगा, प्लस होगा वी प्लस वी एस। अब बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और जिस जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट उनको ये बात क्लियर होगी, बात समझ रहे हो। अच्छे अच्छे लोग इसका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर नहीं कर पाते, क्यों, इसमें आठ कंडीशन है, और आठ की आठों आप जब याद कर पाओगे, जब आप उसको दैनिक जीवन में होने वाली घटना से रिलेट करके अगर पढ़ोगे, जो आपके डेली लाइफ में जो हो रहा है अगर उससे रिलेट करके पढ़ोगे देन आप उसको कर पाएंगे, तो वैल्यू पॉइंट आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक है चल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी है 800 यहां रख देंगे, ये चाल दी है वायु की तो 330 आपको यहां रखनी है, बीएस की वैल्यू 300 यहां पर रखनी, 300 प्लस 330 और यहां पर 330। ठीक है फाइंड आउट करेंगे। सर आपकी कल वाली क्लास और पूरी लूसेंट वाली क्लास क्या काफी, बिल्कुल काफी है भाई, बिल्कुल काफी है, बहुत है, लेकिन जो मैंने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हैं वो ट्रेंड वाले क्वेश्चन है बेटा, लेवल अप हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन का अधिकतम ऊंचाई बताइए, हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई। चलिए अधिकतम ऊंचाई के लिए रॉकेट द्वारा ऊपर प्रक्षेपित कर रहे हैं, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर। कितनी हो जाएगी बताओ, हाँ 4 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो करो, जो क्वेश्चन ना आए पूछ लेना। फॉर्मूला बताओ, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ओमेगा बराबर 1/ अंडर रूट के अंदर एलसी, फाइंड करिए, एल की वैल्यू दी है 1 हेनरी रख दो, सी की वैल्यू दी है 25 माइक्रो फेरेड, निपटाओ जल्दी, 1% दम नहीं है भाई क्वेश्चनों में। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए नंबर। कैसे हुआ देखो ध्यान से, 1/ अंडर रूट के अंदर एल की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 25 × 10^-6, ये हमने इसको फाइंड आउट किया, 1/ नीचे 5 × 10^-3, ये ऊपर चला गया +3, 1000/5, तो बेटा कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, कैसे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में ई के बराबर एच न्यू माइनस फाई है, ई के जो होता है वो क्या दर्शाता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लिख लो कॉपी में क्या, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा यानी डेली आवृत्ति से ज्यादा प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश इसमें डालते तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इससे वो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इसकी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्लियर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डालेंगे उतनी ही ज्यादा तेजी से वो निकलेगा, बोलो आ रहा कि जा रहा, तो व्हाट इज द ई के बताओ बच्चा, इसमें आंसर क्या होगा, ई के की वैल्यू क्या होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये ई के, किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। देखो 40 वाट 60 वाट 100 वाट के 3 बल्ब में श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तीनों में सबसे ज्यादा कौन तेज जलेगा बताओ। अब एक बात ध्यान से समझना, आपको कुछ लबर लबर समझने की जरूरत नहीं, बस एक बात समझ लो बच्चा, क्या
हमारे घरों में, किसमें, हमारे घरों में अगर मम्मी ने दो बल्ब मंगाए, एक 0 वाट का और एक 100 वाट का, बताओ कौन तेज जलेगा, भैया 100 वाट का, बस इतना मालूम है, ठीक है, हो जाएगा। तो समांतर क्रम में होता है हमारे घरों की वायरिंग, क्यों होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम आए, क्या आए, रेजिस्टेंस कम आए। तो बच्चा 0 और 100 वाट में घरों में 100 वाट तेज जल रहा है, श्रेणी क्रम में जस्ट उल्टा, और जस्ट उल्टा का मतलब जो 40 वाट का बल्ब होगा वो तेज जलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, चल कर सकते हैं आप। बाकी आप बुक के मेथड से जाएंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। नेक्स्ट देखें, ठंडा नहीं क्या पानी, पानी ठंडा नहीं क्या, देखो लिखा क्या, ध्यान से देखना, लिखा है फ्लक्स इतना दिया है, चौथे सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल डी फाई अपॉन डी टी अगर हम लोग कर दें तो यहां पर डी फाई अपॉन डी टी में यहां पर हो जाएगा 8 × 16t + 3 और टी की वैल्यू यहां 4 रख दी, 16 × 64 + 3 कितना 67 आंसर आ जाएगा, 67 यूनिट। चलिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताइए क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मैं आपको हमेशा बता चुका हूं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र ये सभी एक हैं, ये सभी एक हैं, नहीं बात समझ रहे हो, जैसे कुछ लोग दिखने में अलग होते हैं लेकिन होते एक ही हैं। हाँ दस बताना सर, बता दूंगा मैं सबतल से नहीं भैया, बता दूंगा पहले ही हो जाए। तो चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स के दो मात्रक, एक होता है बेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर बेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाला बी नंबर आंसर लगेगा, आंसर नंबर बी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कम ऑन, चार्जिंग खत्म, चार्जिंग हो। देखो बेटा ये क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत कठिन लग रहा लेकिन है नहीं, देखो हमको इस बी को भूल जाओ, बी है ही नहीं। अब आप देख रहे हैं ए से सी के बीच में 2 वोल्ट लगा है, इस 2 वोल्ट की कहां कहां हिस्सेदारी होगी, ये यहां भी लगेगा 3 हिस्से में, इसका 1/3 हिस्सा यहां, 1/3 हिस्सा यहां। अब तुमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच बताओ, तो बी फिर से उजागर करो, सिर्फ इन दोनों को जोड़ दो, 2/3 + 2/3 = 4/3। ये भैया का कंपटीशन वाला मेथड है, आंसर हो जाएगा बेटा सी। और इंटर वालों से अगर यही क्वेश्चन पूछ लोगे तो बेटा इसको करने में 10 मिनट लगेंगे, समझ रहे हो, चलो बिल्कुल नॉर्मल, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हवा बना देते हैं लोग और कुछ नहीं। तो हवा नहीं बनाना है हमको, क्वेश्चन को हवा नहीं बनाना है, बल्कि जो हमारे नंबर आएंगे उनको हुआ बनाना है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, लिखा है किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, जब कोई लड़की स्कूटी से जा रही है और तुम सामने बाइक चला रहे हो तो बाइक के शीशे का काम आप किस प्रकार करते हैं पीछे आ रही लड़की को देखने में। तो एक ध्यान समझो, ऐसे समझाते से समझ में अच्छा आएगा तुमको। तो लड़की को देख रहे हो, साथ ही साथ में स्कूटी दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर देखते ही साथ ही साथ में पीछे से ट्रक भी आ रहा है, यानी पीछे से मौत भी चली आ रही है, यानी उसी शीशे में तुमको लड़की दिख गई, उसकी स्कूटी दिख गई और साथ ही साथ में ट्रक दिख गया, मतलब एक छोटा सा शीशा बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है। अब लेकिन बात उठी कि भैया वो शीशा होता कौन सा है, तो बेटा गाड़ियों के साइड मिरर जो होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वो बेटा अवतल दर्पण होती है, कॉनकेव मिरर होती है। क्लियर हो रहा है सर, सेकेंड टाइम पेपर देने जा रहा हूं, बताएं क्रैक कैसे क्रैक करें। चलो अभी मैं कल एक वीडियो देखो एक आएगी, वो वीडियो इस प्रकार होगी कि कौन कौन से टॉपिक एयरफोर्स में इंपॉर्टेंट है, और इस विषय में भी मैं बता दूंगा कि कैसे एयरफोर्स को क्लियर करें, किन कारणों की वजह से एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता, इस टाइप की वीडियो आपको
दे दी जाएंगी। चले और कुछ बेटा, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताएं बेटा कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताओ। अब ये वही कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको। वी बराबर एन लेमडा, लेमडा तो आप जानते ही हैं, एन को यहां दो चीज समझना है, आवृत्ति भी, आवृत्ति भी और अपवर्तनांक भी, आवृत्ति भी और अपवर्तनांक भी, ठीक है। देखो बच्चा ध्यान से समझेंगे, लिखा है हरे रंग की आवृत्ति का प्रकाश नीले रंग की आवृत्ति से अधिक होता है, हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले रंग के आवृत्ति से अधिक होती है। कहने का मतलब है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हरे की हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले से अधिक नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जो हरा होता है बिब ग्योर, आप जानते होंगे बिब ग्योर बेटा, ये जो बिब ग्योर है इसमें जो ग्रीन वाला है आप देख रहे ग्रीन, और फिर आ रहा है ब्लू, तो बताओ ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा है या ग्रीन की? ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा है, अगर ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम हुई ना, तो हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक नहीं बल्कि कम होती है। तो ये वाला गलत है आंसर, बाकी चार तीन ऑप्शन सही है। चलिए अब देखो, एक बच्चों के एक डाउट बहुत आता है कि भैया मेरा एग्जाम काका देव में, क्या आप मिल लेंगे? यार देखो, अगर हम इसे मिलते घूमेंगे तो कानपुर बहुत बड़ा है, बात समझ रहे हो, जितना हमने जिंदगी में नहीं कमाया उतने की तो हमारी गाड़ी तेल पी जाएगी। तो इस प्रकार के पागलों वाले प्रश्न ना करें, जिसको भी मिलना है मैं यहाँ पर जो हूँ स्टूडेंट आपको मिल जाऊंगा, दोपहर में रहता हूँ, वो भी एक फिक्स टाइमिंग है के बीच आप मिल सकते हैं बस, ठीक है। यदि मनुष्य की एक आंख होती तो क्या होता? अगर मनुष्य अंधा होता, यानी इसको कहते काणा कहते कि जो भी कहते हैं, काणा एक अलग होता है सिस्टम, नहीं उसका एंगल खराब होता है, हाँ काणा ही कहते, जो भी कहते हैं समझ लेना। तो मतलब एक आंख अगर ना हो तो आदमी क्या होगा बेटा? अगर एक आंख ना हो ना तो उसको 3D नहीं दिखेगा, पता है हम लोग 3D देख सकते हैं, व्हाट इज अ 3D? तीन डायरेक्शन में, एक्स थोड़ा सा, वाई एंड जेड, तभी हम लोग को पूरा क्षेत्र दिखता है। कान से सीधी आप लाइन खींचोगे उसके सामने का पूरा हमको दिखता है, लेकिन अगर एक आंख नहीं होगी तो क्षेत्र कम नहीं हो जाएगा? तो आंसर होगा बेटा कि आपका जो क्षेत्र है वो कम हो जाएगा दिखने का, और आपको 3D नहीं दिखाई देगा, आपको 3D नहीं दिखाई देगा। विच वन इज राइट ट्रांजिस्टर के लिए? अब ये तो जिसको जिसने पढ़ा होगा बेसिक वही कर पाएगा इसको, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो मैं आपको बता दूं। जितने कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेट होते हैं जो आपको समझ में आ सकते हैं मैं बता देता हूं। अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। अवक्षय परत में विभव प्राचीर निम्न कारणों से होता है बेटा, बताइए। पहला लिखा है आयनों की वजह से, कोटरों की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, या इलेक्ट्रॉन कोटरों की वजह से। तो विभव प्राचीर में आयन्स पाए जाते हैं, आयन, ना तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ना ही कोटर। अभी एक बच्चे ने मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भेजा था, क्या भेजा था, उसमें बहुत प्रचलित अध्यापक है, उन्होंने ये बात कही थी कि विभव प्राचीर में इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन कोटर कभी भी विभव प्राचीर में नहीं होते, वो एक दूसरे को खत्म करके आयन बना देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, एक कंडीशन है उसमें हो सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है भैया वो। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल हो तो ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए नंबर आंसर राइट है बेटा इसका। नेक्स्ट छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, देखो लिखा है अधिक समय तक उपयोग लाने में तराजू खराब हो जाता है, क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है क्योंकि जो स्प्रिंग की जो प्रत्यास्थता है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। संस्कारी कह रहे हैं नाम बताओ सर जी कौन है वो मास्टर, नाम बता दें यार, ये नहीं बताएंगे। नहीं हो जाता है यार, देखो हो जाता है, इसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमसे भी हो सकती है कोई गलती,
सबसे गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़ा कोर्स है। अब कल हम पढ़ाते पढ़ाते वैल्यू लिखी है 200 और रख रहे हैं 2000, हो जाता है, लंबी क्लासों में ये हो संभव है। बच्चा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा है समतापी प्रसार में क्या होगा, समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित रहेगी, क्यों? ध्यान से समझो, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो डिपेंड करिए टेम्परेचर पर। अब जो समतापी प्रक्रम होता है उसमें ताप समान रहता है, तो ताप में जो अंतर आता है वो जीरो आता है, जब अंतर जीरो आता है तो आंतरिक ऊर्जा में भी अंतर जीरो आता है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको क्या, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन दिया है आपको, देखो 30 रन में मॉक करा दिया मैंने। यदि एक कण वृत्ति पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि यह समान समय में समान कोण अंतरित करता है, तो इसका वेग क्या होगा? इसका वेग बेटा, अब ये भी लोग गलत पढ़ाते हैं, इसमें तो मुझे बहुत दुख होता है। मतलब ये सर्कुलर मोशन बहुत लोग इसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, जो बच्चा मुझसे पढ़ता है इस बात को बेटा याद रखना, हमेशा कभी भूलना नहीं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चाल रहती वो नियत होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते बेटा, नोट कर लो कहीं पे, काइनेटिक एनर्जी बेटा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। बच्चा ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहता है, अल्फा बेटा वो जीरो रहता है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। लिखा है इसका वेग, तो बेटा वेग बदलता है, वेग क्या होता है, बदलता है, वेग डायरेक्शन में बदलता है, परिमाण में नहीं, तो दिशा में बदल जाता है, परिमाण में नहीं। आंसर होगा सी नंबर। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? लिखा है सर जी वॉल्यूम फर्स्ट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला करवा दीजिए। देखो एक दो एक क्लास के बारे में सोच रहे, कुछ अच्छा करते हैं तुम लोग के, ठीक है? एक बात बताओ, कल की पीडीएफ मिली, कल की पीडीएफ मिली कि नहीं आदित्य? कल की पीडीएफ मिली, पीडीएफ दे दी बच्चों कल, कल की वाली, ठीक है, कल वाली पीडीएफ जो है मैराथन की वो अभी तुम लोग को मिल जाएगी, ओके? और बताओ, हाँ, लेकिन ऐसा ना करना कि मेरे क्वेश्चनों से खुद ही पढ़ाने लगू, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पूरा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। चलिए चलिए भाई, ठीक है, नहीं मिली, मिल जाएगी, एक फॉर्मूला वाली क्लास लगा दो भैया, चलो देखते की पॉइंट्स की क्लास को एक लगाएंगे। चलो ठीक है, चलो फिर छुट्टी।